हाय, दिस इज़ राजेश गरेल। दोस्तों, अपने खेत पर मैं बस निकल ही रहा था, लेकिन रास्ते में मुझे एक ऐसी चीज़ मिली जिसको देखकर सच में मुझे लग रहा है कि अभी का खेत पर जाना कैंसिल, क्योंकि वो चीज़ को देखकर मेरे माइंड में एक ऐसी झट से आइडिया आई कि सच में इसका इस्तेमाल कहाँ पर करना चाहिए। एक वाइट वाली शीट जो हम फ्रिज या वॉशिंग मशीन या टीवी की सेफ्टी के लिए, मतलब बॉक्स में वाइट वाली शीट जो रखी जाती उसकी सेफ्टी के लिए एकदम सॉफ्ट रहते है, वो चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। उसका उस चीज़ का एक थोड़ा सा टुकड़ा यहाँ पर मुझे मिला है, देखिए। एकदम सॉफ्ट, मतलब उसे हम थर्माकोल नहीं कह सकते, थोड़ी सी अलग ही। ये वाली शीट, उसका इस्तेमाल मैं किस आर्टवर्क के लिए करूँगा वो आपको देखना बहुत ज़रूरी है। और ये आज का वीडियो इसके ऊपर डिपेंड है कि ऐसी वेस्ट चीज़ से हम बेस्ट कैसे बना सकते हैं। चले, मैं इसको पहले अपने घर पे लेके जाता हूँ और उसकी आर्टवर्क शुरू करता हूँ। सो आई एम गोइंग टू टेक इट एट माई होम फॉर द आर्टवर्क, लेट्स गो। सो गाइस, फाइनली इसे मैं अपने घर पे लेके आया हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स स्टार्ट द वर्क। शीट को देखिए एक बार कैसी है और उसके आर्टवर्क के बाद कैसी रहेगी। लेट्स स्टार्ट द वर्क। Thank you.
गाइस, सो फाइनली जिस चीज को मैं बनाना चाहता था वो अभी कंप्लीट है। चलिए देखते हैं इसे। सो गाइस, आपके सामने वो चीज है, देखिए किस तरह से हमने उसे बनाया है। इसे कहते हैं कलर पैलेट। आर्टिस्ट अपने पेंटिंग के लिए कलर लेने के लिए और कलर मिक्सिंग के लिए जो प्लेट यूज करते हैं उसे कहते हैं कलर पैलेट। सो रियल के कलर मैंने यहाँ पर रखे हुए हैं जो एक्रेलिक कलर से, वो कलर पूरी तरह से सूख चुके हैं। देखिए इस तरह से आर्टिस्ट पेंटिंग के लिए सबसे पहले अपने कलर इस पैलेट पर रखते हैं, उसके बाद मिक्सिंग का और पेंटिंग का फाइनली काम किया जाता है। सो इट्स लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। जी हाँ दोस्तों, यही है वो चीज़ जो मुझे रास्ते पर पड़ी मिली थी और उसको मैं अपने घर पर लेकर आया और अपनी आर्ट से और अपनी स्किल से उसको इस कलर पैलेट में कन्वर्ट कर दिया। अभी किसका मन करेगा कि सच में इसे बाहर फेंके, किसी का भी नहीं, बिकॉज मैंने अपनी स्किल से और अपनी आर्ट से उस वेस्ट चीज़ की वैल्यू पूरी तरह से बढ़ा दी, जिसको मैं अपने घर पर एक शो पीस के तौर पर रखूँगा। और सबसे पहले खुशी इस बात की है कि इसे मैंने अपने हैंड से बनाया है। दूसरा पॉइंट ये है कि वो चीज़ प्लास्टिक की बनी थी और प्लास्टिक सबको पता है, एक साल, दो साल या तीन साल तक अगर हम उसे मिट्टी में रखते हैं तो भी उसका फर्टिलाइज नहीं होता, वो मिट्टी में पूरी तरह से मिक्स नहीं होती। सो इट्स वेरी डेंजरस टू अवर अर्थ। तो इट्स वेरी इम्पोर्टेंट कि प्लास्टिक ऐसे कुछ चीज़ें हैं जिसको आप अपनी आर्ट से और अपनी कला से उसको सच में क्राफ्ट के रूप में बदले और अपने घर में रखें, ताकि उसको जलाने की या कहाँ पर बाहर फेंकने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस चीज़ को मैंने कहाँ पर रखा है वो देखकर आप ज़रा सोचिए सब्सक्राइब के बारे में। तब तक हम चलते ही इसे अपने घर में रखने के लिए।